नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। नारायण शाकार हरि परमात्मा ने मई के प्रथम मंगलवार को चमोली भरतपुर में श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। हरि परमात्मा ने बताया कि बुरे कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अपनी वाणी के माध्यम से उन्होंने बताया कि यहाँ आने वाले महापुरुषों के साथ छल कपट बेईमानी अगर कोई करता है तो उसका अंत बुरा होता है। आइए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। इसी क्रम में आमंत्रित है माननीय सम्मानीय आकर डॉक्टर एपी सिंह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, आप क्षत्रिय महासभा के भारतवर्ष के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हुए वकालत के व्यवसाय से अपना अनमोल समय लेकर के आप सत्य के साथ में पहुंचे हैं। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आकर के बताएं कि सत्य के साथ में आने पर आपको क्या दुख हुए, क्या परेशानी हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या घाटा हुआ। आप अपनी खुद विधि बताने की कृपा करें। माननीय सम्मान नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। पवन अंदर ही होंगे। नारायण हरि परमात्मा बहरे नहीं, इसलिए तीव्र गति से आवाज देने की जरूरत नहीं। अपनी खुद भी ठीक बताए और जो समझ में आता है धन के लिए हरि परमात्मा का नाम बेचने वालों की कमी नहीं। धन के लिए, धन प्राप्त करने के लिए प्रवास करने वालों की कमी नहीं। इस संबंध में अगर आप प्रकाश डालेंगे तो बातों में आपकी खुशबीति होगी। संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पधारे प्यारे सारे सत्य अनुराग। मेरी आत्मीति के माध्यम से मैं सत्य सत्य बता रहा हूँ। सत्य के साथ मानव मंगल मिलन ये महापुरुषों के मध्य में जल का जो टैंकर लिए दूर नहीं है, आगे पीछे कोई हादसा हो जाएगा तब क्या होगा, टैंकर एक जगह खड़ा करे, ये लेकर के घूमने की जरूरत नहीं। बताइए प्रभु की लीला, आड़ में टैंकर दिखाई नहीं दे रहा हूँ, आड़ स्टेशन दिखाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन प्रभु आगे पीछे कर रहे हैं। प्रश्न बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। ये जो जल सेवा का टैंकर है ये पंडाल पर क्षेत्र में बिल्कुल भी प्रवेश न करवाए, पंडाल के बाहर जाए जल सेवा की व्यवस्था है, उसी स्थल पर पंडाल पर क्षेत्र में टैंकर देख लो, वाहन को प्रवेश न करवाए, वहां से टैंकर दिखाई दे रहा हूँ। लेकिन आपस जो टैंकर जो रहा है टैंकर वहां से निकाले, जहाँ जल सेवा सुनिश्चित की गई है वहाँ ले जाए, तुरंत वापस ले जाए। यहाँ से वो देवी महापुरुषों की लाखों लाखों की संख्या है, जहाँ बीच में किसी भी वाहन से प्रवेश न करवा, तुरंत निकाले टैंकर घर से, पीछे जहाँ व्यवस्था है इस तरह के वहाँ ले जाए। आपके चरणों में प्रार्थना है, निवेदन है।
प्रभु की लीला वहां से दिखाई दे रहा टैंकर स्टेट वो लगी हुई है हमने देख लिया कि आगे पीछे कैसे कर रहा है आश्रम के नाम पर इकट्ठा हो रहा है, गाय के नाम पर इकट्ठा हो रहा है, मंदिर के नाम पर इकट्ठा हो रहा है। अब दीप पर बोलने की जरूरत है। आवाज बाहर तक पहुंचे जाकर लोग खड़े हैं। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। सत्य के साथ में आपने भी देखा है यहाँ कोई पंडाल में जहां तक सत्य का साथ मानव मंगल मिले सद्भावना समागम का आयोजन हो रहा है, कहीं आपको किसी तरह का कोई चंदा दान पात चढ़ावा, कोई नारियल गोला, कोई अंधविश्वास, कोई पाखंड, किसी तरह का कुछ नहीं मिलेगा। और यही मैंने जब से देखा, क्योंकि ऐसा दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है। सभी जगह आप देख रहे हैं कि चंदा भी बड़े बड़े पात्र रखे, चंदे के डोनेशन बॉक्स रखे हैं, रसीदे काटने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए लोग बैठे हैं, कहीं सोना चढ़ाने का, कहीं मंदिर बनाने के लिए, कहीं सरिया के लिए, कहीं सीमेंट के लिए, कहीं ईंट के लिए, हर तरह से चढ़ावा पैसा लेने की प्रक्रिया चल रही है पूरे धर्म के अनुसार, और इसी को धर्म कहते हैं। और जबकि मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा, और मानव धर्म मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में यही सिखाया जाता है। मानव धर्म की स्थापना से बड़ा कोई धर्म दुनिया में कोई नहीं सकता। अरे मैंने देखा, यहाँ देखा, और जब से नारायण सरकार के दर्शन और वर्तमान का स्वर किया है, उसके बाद से जीवन में किसी पर किसी क्षण भी पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं मिला। जब से नारायण साकार हरि को नमन किया है, वंदन किया है, यहाँ आकर नतमस्तक हुए हैं, उसके बाद दुनिया में किसी के आगे झुकने की नौबत नारायण साकार हरि की कृपा से नहीं आई। और सत्य के साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने के बाद नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी श्रवण करने के बाद जब हम उस पर चल पड़ते हैं, जब हम उसका अनुसरण करने लगते हैं, तो उसके बाद फिर जीवन में कभी कोई कुछ कमी रह ही नहीं जाती है। सोच है लोगों की कि सत्य के साथ में आने के बाद क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या लाभ हुआ, क्या हानि। संचालक महोदय भी कह रहे हैं, नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी का श्रवण करने के बाद लाभ ही लाभ होते हैं, हानि तो कोसों दूर खड़ी हो जाती है जाकर के, क्योंकि यहां धर्म का आडंबर नहीं है, धर्म का चोला नहीं पहनाया गया है, धर्म के नाम पर दुकानें नहीं चल रही हैं, जहां सीधे सीधे जो कुछ देना होता है, जो कुछ आपको लेना होता है, जो आपकी चाहत और इच्छा होती है, आप जितने सवाल लेके आए, आपके मन में हजारों सवाल हो, आप सब सवाल लेके आए, लेकिन जब आप पंडाल में आते हैं और नारायण साकार हरि मंचासीन होते हैं, और जब हमें नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी का श्रवण करने को मिलता है, तो हमारे सब सवालों के जवाब हमें अपने आप मिल जाते हैं। बाबूजी से भी पूछा था, और यही जीवन की सत्यता है, और यही मानव धर्म की स्थापना की सत्यता है। सब लोग कई कई धर्म की बात करते हैं, मानव धर्म की बात करते हैं, मानव धर्म की बात करते हैं, मानव धर्म की बात करते हैं,
आपको उन्होंने वहां से बचा के जहाँ से कोई बचता नहीं था, मतलब माध्यम कोई भी हो, वो सुनना नहीं आप और दे दियो, और दे दो आपको जानकारी है चोर का साथ देने वाला चोर होता है, ये भारतीय संविधान में प्रावधान है। नारायण हरि परमात्मा के दरबार में किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं होता है। रुपया पैसा वस्तु द्वारा सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। जहां अभी महिला प्रवास की बात कर रहे थे, आश्रम की बात कर रहे थे, तो ध्यान पूर्वक श्रवण करें। जो कहा जाता है, बोला जा रहा है, कहीं कहीं होगा भविष्य में भी, एक कदरा चल नहीं सकता, सही होगा। जो वस्तु पदार्थ लेते हैं, रुपया पैसा लेते हैं, जिन्होंने इकट्ठा कर करके अपने अपने गुरुओं को घर दिया है प्रवास के नाम से या किसी और नाम से, इकट्ठा करने वाला भी पापी है, पापी है, पापी है, और जिसने लिया है वो भी महापापी है। क्यों आप देखे यहाँ संपूर्ण प्राणी नारायण आप अपना, मेरा नाम
चंद्रशेखर प्रताप सिंह एडवोकेट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बेंच ग्वालियर में मैं वकालत करता हूं, फिर मैं लॉयर हूं और एक संचालन करता होने के नाते मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में संचालन कर्ता के कार्यकर्ता के रूप में अधिकृत होकर के मैं आपके समक्ष आपके चरणों में एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके बचाव के लिए क्यों ये आपका धर्म कर्म बनता है मानवता के नाते हर सब आपका उसी स्तर का होना चाहिए। संचालन करता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है कि मैं जानकारी आपको समक्ष आपके समक्ष रखूं, जिससे आपको भी बचाव मिले और आपको सभी सूचित हो सके और आप तक जानकारी पहुंच सके, जिससे ऐसा कोई कर रहा है वो न करे, जिससे आप बुराइयों से आपका बचाव हो, जिससे ऐसे लोगों की परछाई से भी आप अपना बचाव कर सके। अब बताइए सार संगत जी, सत्य के साथ में वीरेंद्र गुप्ता उर्फ अनाड़ी निवासी डिवाई जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, जो सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में चित्र हरि जी के पेंडल वर्दी होल्डिंग बैनर निमंत्रण पत्र ये सभी छापने का विक्रय करने का कार्य करते थे और सेवा केवल सेवा के सेवा करूंगा इस तरह से कह करके उन्होंने कर्म लिया था, लेकिन साध संगत जी सेवा न करते हुए उन्होंने सत्य के साथ में आकर के महापुरुषों से जो सामग्री दी 5 रुपए की सामग्री 50 रुपए में देते थे और 50 रुपए की 500 रुपए में देते थे, जो होल्डिंग बैनर 500 रुपए में बनता है वो 3-3 हजार में देते थे और इतना ही नहीं महापुरुष जब कहते थे कि मेरे पास कमेटी के जो महापुरुष के इतना पैसा नहीं है तो जबरदस्ती बदतमीजी की भाषा का प्रयोग करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें जबरदस्ती सामग्री देते थे कि कम से कम 1.5-2 लाख से नीचे सामग्री नहीं देते थे, जम जम के सात संगत जी महापुरुषों को लूटा, सत्य के साथ के आने वाले महापुरुषों को उनकी गर्दन काटी, जम जम के पैसा इकट्ठा किया, व्यापार किया, वो मांगी थी केवल सेवा। सात संगत जी जम जम के करोड़ों रुपए इकट्ठा किया, पाप इकट्ठा किया। पूरी बात बताओ तो वॉलंटियर्स कहते हैं, सेवादारों के नाम से जानते हैं, सेवादार सैनिक के नाम से जानते हैं, स्त्री पुरुष कोई भी हो उनकी वर्दी भी वही दिया करता था। अभी एक वृक्ष आना जाना इधर नहीं हुआ, और
चुका है
और बांस दूसरा लगाना पड़ेगा तो दुर्गेश गुप्ता की पत्नी ज्योति गुप्ता। ज्योति गुप्ता ने अपनी एक जान का मांस दिया अपने पति दुर्गेश गुप्ता को। सर्जरी हुई और सर्जरी होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि 4 से 8 दिन बाद दोबारा एक्सरे करेंगे, पता करेंगे कि सफल हुई सर्जरी के नहीं। 7-8 दिन बाद दोबारा फिर एक्सरे किया, बोलो में सास संगत जी वो मांस गल गया दोबारा। फिर डॉक्टरों ने कहा कि मांस तो गल चुका है तो इसको दोबारा फिर मांस देना पड़ेगा। तब दुर्गेश गुप्ता की पत्नी ज्योति गुप्ता ने दूसरी जान का फिर मांस दिया। सास संगत जी ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, फिर वो मांस वहां सर्जरी की गई तो सास संगत जी और डॉक्टर ने कहा, अमेरिका के डॉक्टर ने कि इसको दोबारा से फिर एक्सरे करेंगे 7-8 दिन के बाद कि सफल हुई सर्जरी की नहीं हुई। जब दोबारा एक्सरे किया तो वो दोबारा भी मांस गला हुआ, उसमें मवाद टपक रहा था। सास संगत जी तो डॉक्टरों ने कहा तो डॉक्टर ने कि इनको इमीडिएटली अमेरिका भेजो यदि इन्हें बचाना चाहते हो, और इनके ब्लड में इन्फेक्शन फैल चुका है। और इधर ज्योति गुप्ता ने जो अपने दोनों जांघों का मांस अपने पति को दे चुकी थी सर्जरी में, दुर्गेश गुप्ता को ज्योति गुप्ता की दोनों टांगों का मांस गल गया और प्रमाद टपकने लगा, हालत खराब हो गई। सास संगत जी जब दोबारा ब्लड की जांच हुई दुर्गेश गुप्ता की, ये मिस्टर एडवोकेट महोदय आपको कैसे पता चला? मुझे जानकारी प्रभु, मैं जानता हूँ। आप जानते हो जी मिस्टर साहब सिंह चौधरी साहब सिंह डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश को इनके किसी माध्यम ने साहब सिंह को जानकारी दी है। ये सब जानकारी चौधरी साहब को मिली है। चौधरी साहब ने बीते कल दोसा में सत्य के साथ में सुनाया है तो समझ सकते हैं कि राक्षस गलवच्छे नहीं रखते, सींग नहीं। कितना बड़ा राक्षस है, कितना सब हो रहा है, फिर भी उसने किसी को जानकारी होने नहीं दी। अब बताओ सास संगत जी, जब ब्लड की जांच की गई तो ब्लड में इन्फेक्शन पाया गया, फिर इन्फेक्शन देखा गया कि किस तरह का इन्फेक्शन है तो डॉक्टर ने कहा कि इनको ब्लड कैंसर हो चुका है। अधरम अनीपी, अधरम अनीपी, बेईमानी, छल कपट से कमाया हुआ धन ये लोग भी बर्बाद करेगा और लोग भी बर्बाद करेगा। जब ब्लड कैंसर दुर्गेश गुप्ता को घोषित कर दिया और इमीडिएटली अमेरिका भेजो इन्हें, और इधर दुर्गेश गुप्ता की पत्नी ज्योति गुप्ता की दोनों टांगों से मवाद टपक रहा है और उसकी हालत खराब, जब उसकी भी जांच की गई ब्लड की तो दुर्गेश गुप्ता की पत्नी ज्योति गुप्ता को भी ब्लड कैंसर पाया गया और डॉक्टरों ने कहा तुरंत इन्हें अमेरिका भेजो, और वो आज 4-5 दिन पहले अमेरिका में पति पत्नी दोनों इलाज करा रहे। और इतना ही नहीं, देखो एक धन जो लूटा, जो पाप कमाया उसकी मार देखो, वीरेंद्र गुप्ता और बना उसने क्या कहा कल, बीते कल उसने कहा, बीते कल चौधरी साहब सिंह जो खदाना बुरन शहर के रहने वाले हैं इन्होंने अवगत कराया, उसने बोला डॉक्टरों से मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मैं अपने बेटा के धन के बल पर प्रजा प्रजा बदलवा सकता हूं। खजाना के चौधरी यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने इनका बीते कल दो साल में बताया है। आप समझ सकते हो किस तरीका से धन कमाया और घमंड अहम कभी परमात्मा बर्दाश्त नहीं करते। सास संगत जी,
जो वीरेंद्र गुप्ता और पनारी गुप्ता उसको अटैक करा, ब्लॉकेज हुए, तुरंत अपोलो पहुंचा, अपोलो में जांच हुई। पूरी बात बताओ, हम लोग इतनी अंग्रेजी नहीं जानते कि ब्लॉकेज क्या होता है। जो हार्ट की नसें होती हैं, जो जिससे पंप होता है हार्ट बाल्व, जो जिससे हार्ट चलता है, ब्लड की सप्लाई होती हार्ट में, वो बाल्व चिपक गया और जो ब्लड को ब्लड सप्लाई करने वाली नसें होती हार्ट में वो जाम हो गई। जब अपोलो में जांच हुई, डॉक्टरों ने कहा कि आपके ये स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है और उसको बोन टीवी भी है रीढ़ की हड्डी में। सास संगत जी इतनी भयंकर, तो फिर वो डॉक्टरों से इधर बेटा बहू दोनों अमेरिका के लिए, तो वो वहां हवाई अड्डे पे पहुंचा, डॉक्टरों से निवेदन किया, कहा कि मुझे लड़के की शक्ल दिखा दो, मुझे लड़का दिखा दो। लेकिन सास संगत जी देखो, जिस कारण पैसा कमाया, बेईमानी का सत्य के मार्ग पर जो साफ कमाया, और सकल देखने की भीख मांग रहा था कि सकल देख लो, उसको भरोसा हो गया कि इसका, क्योंकि ब्लड कैंसर, पूरे ब्लड में वो कैंसर के वायरस फैल जाते हैं, वो कैंसर के वायरस निर्जीव और सजीव दोनों तरह के होते हैं, जो ठीक नहीं हो सकते। सास संगत जी खुद वीरेंद्र गुप्ता को बोन टीवी और हार्ट की नसें बंद, बल्ब चिपक गया हार्ट का, जिसके कारण व्यक्ति जिंदा रहता है। और इतना ही नहीं, पाप की कमाई ने देखो पूरे वंश को, पूरे परिवार को किस तरह जकड़ लिया। और उसके नाती का क्या हुआ जी? उसका जो नाती है वीरेंद्र गुप्ता का, दुर्गेश गुप्ता का बेटा, सास संगत जी उसको बीमार हो गया, आधा शरीर पैरालाइसिस से खराब हो गया, पैरालाइसिस हो गया आधे शरीर में। देखो बेईमानी की कमाई, वो भी अपोलो में एडमिट है। देखो वीरेंद्र गुप्ता अपोलो दिल्ली का कितना महंगा से महंगा हॉस्पिटल, लाखों लाखों वीरेंद्र गुप्ता झेल रहा है पाप की कमाई के कारण। बेटा पत्नी और जिस कम पाप की कमाई का भोग नाती ने भोगा, तो देखो नाती उस पैसे का जो भोग भोगेगा उसका भी सर्वनाश होगा, ये हमारा दावा है। सास संगत जी पूरा वंश ही वंश, देखो आप तबाही की कगार पर, और टॉप सीक्रेट इलाज, किसी को खबर न लग जाए, पता न लग जाए। ये चौधरी साहब सिंह खदाना ग्रंथ है उत्तर प्रदेश, ये बधाई के पात्र है, इन्होंने कल जानकारी दी है। वे जानने वाले हरि परमात्मा को ब्रह्मांड की जानते हैं, लेकिन संसार के तौर पर इन्होंने बीते कल संसार में सत्य के साथ उन्हें जानकारी दी, इसलिए आपको भी संचालन करता वकील साहब सब ज्ञान के तौर पर जानकारी दे रहे। बच्चों अन्यथा अन्यथा जैसा बीज डालोगे बदले में वैसा ही फल मिलेगा। बचाओ सम्मान, कितनी बोतलें चली ब्लड की, 9 बोतल ब्लड चढ़ा ऑपरेशन का, ऑपरेशन हुआ तो 9 बोतल ब्लड चढ़ा। सास संगत जी ऑपरेशन हुआ नहीं, जैसे चौधरी साहब सिंह ने बीते कल 2 साल में बताया, उस बनिया को बोतले ब्लड की 9 चली है, अभी ऑपरेशन हुआ नहीं है। सास संगत जी पाप की कमाई की सत्य के मार्ग पर, तो पूरा परिवार विनाश की ओर बिल्कुल तैयार हो गया खड़ा है। आप समझ सकते हो जो व्यक्ति जी कह रहा है कितना पैसा कमाया होगा महापुरुषों की गर्दन काट करके, कि मैं पुर्जा पुर्जा बदलवा सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन सार संगत जी आज वो पैसा नहीं है,
मेरे पास इतना धन है जी, पैसा की व्याख्या कहां जाती है और धन की व्याख्या कहां जाती है। साध संगत जी, पाप का धन कमाया तो पूरा पूरा वंश का वंश देखो आप। साध संगत जी, जिन्होंने भी सत्य के मार्ग पर पैसा कमाया, चाहे वो टेंट के रूप में हो, टेंट सेवा के लिए लिया के सेवा करेंगे और सेवा के तौर पर टेंट लगाएंगे, लेकिन महापुरुषों से लाखों लाखों आयोजन कराने वालों से, सत्य का साथ का आयोजन कराने वालों से लाखों लाखों रुपए बेईमानी से लिया, लाखों लाखों रुपए काय का वकील है तू, सीधी की हुई क्या व्यापार किया जी प्रभु, तो सीधी की नहीं बोलता, सत के साथ के नाम पर, टेंट के नाम पर व्यापार किया और एक एक महीने में 33-35 लाख रुपए सात संगत जी सत के नाम पर व्यापार करते हुए कमाया। सात संगत जी से कमाया, सत के साथ में टेंट लगा करके महापुरुषों से लिया, जिन महापुरुषों ने सत का साथ कराया उनसे पैसा लिया बेईमानी से और कमाया जम जम के। सात संगत जी सत के साथ के मार्ग पे आकर के जिन्होंने पैसा कमाया वे पक्के राक्षस है, शैतान है, पापी है, दुराचारी है। यदि देखना चाहते हो तो राक्षस अपने कर्मों का भोग भोग रहे। सात संगत जी स्पष्ट रूप से डंके की चोट पे कहता हूं कि पक्के राक्षस है, शैतान है, महाराक्षस है वे नारायण साकार हरि जी, पर पार ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मांड के कुल मालिक का सत्य का साथ है। यहाँ जो गड़बड़ करेगा, जो व्यापार करेगा, धनवाई करेगा, व्यापार करेगा, धंधा करेगा, वो बच नहीं सकता। अभी तो गाज गिरी है। प्रवास, प्रवास के बारे में बताओ। प्रवास लोगों ने कहा, जगह जगह प्रवास बना लिए नारायण साकार हरि जी के नाम से के पैसा इकट्ठा किया, जबकि नारायण साकार हरि जी ने पूरे ब्रह्मांड में किसी को प्रवास बनाने की अनुमति नहीं दी, न किसी से कहा। इन लोगों ने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए आने वाले महापुरुषों से इकट्ठा किया प्रवास के नाम पर, गुलामी करवाई और गुलामी करवाई, 10 साल चलवाए, मजदूरी करवाई, बेलदारी करवाई, खून पसीना बहाया बहवाया और कोठियां हवेली बनवाई, और क्या होगा, सास रहे वो भी मरेंगे, उनके बेटा भी मरेंगे जी। करो किसे धोखा दे रहे हो, अम्मा के नाम करा रहे हैं और लूट मार तुम कर रहे हो, अम्मा ने लूट मार करने की आज्ञा दी है, हमें मार सके जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। सास संगत जी जगह जगह प्रवास, न बेईमानों ने राक्षसों ने सत्य के मार्ग पर महापुरुषों को ढक करके हवेलियां कोठियां बनाई, बचना कोई नहीं है। और वैदिक काल का इतिहास, वेद पुराण ग्रंथ, जब से ब्रह्मांड की रचना हुई है सुर असुर ये गड़बड़ करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं, पहचान अब हो रही है तुम्हारे सामने, पहचान खुल के आ गई है, उसके बावजूद भी ऐसे लोगों के चुंगल में फंसे जिन्होंने मेहर प्रवास के नाम से बना के खड़े कर लिए हैं, अपना आश्रम चला रहे हैं, अपना मिशन चला रहे हैं। देख लो ना, देखने में आएगा कि प्रणाम सामने आएगा आएगा आएगा, अच्छा किया है तो प्रणाम अच्छा आएगा और गलत किया है तो प्रणाम गलत ही आएगा, और गलत किया है। सात संगत जी, इन्होंने जो पैसा प्रवास के नाम पर कमाया, इकट्ठा किया, कोठी बनाई, बंगले बनाए, सात संगत जी बचाव नहीं है, कहीं भी फड़फड़ाते रहे, कहीं भी छिप जाए, चाहे जमीन में घुस जाए, जल में घुस जाए, आकाश में चले जाए, बचना नहीं है, ये बाज गिरेगी। ये आपको बताया वीरेंद्र गुप्ता का परिवार, ये तो एक टेलर है,
असली पिक्चर तो जितने मगरमच्छ बैठे हैं, बड़े बड़े बड़ी बड़ी मछलियां बैठी हैं, ये सोच ले इनका भी नंबर बहुत जल्दी लग रहा है। किसका नहीं सकते, किसका जो प्रवास से धन इकट्ठा किया, ये तो है ही है तुम्हारे सामने। पूरे भूलोक में, पूरे भूलोक में जो सत्ता को बेच रहा है, धर्म पाखंड कर रहा है, आडंबर कर रहा है, अंधविश्वास कर रहा है, भेद का किस भूल रहा है, पूरे भूलोक में सबके साथ होगा, सबके साथ होगा, सबके साथ होगा, किसी का बचाव संभव नहीं। अपराधी को छोड़ा नहीं जा सकता। शासन जी, ऐसे लोग चाहे पूरे ब्रह्मांड में कौन हो, बच नहीं सकते। सात संत जी डंके की चोट पर नहीं बच सकते। कारण क्या है? नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के लिए चलता है, ब्रह्मांड के कुल मालिक है, जीव माया बद्ध है, नारायण हरि परमात्मा मायाधीश है, पूरे ब्रह्मांड में खेल चल रहा है। सात संत जी, नारायण साकार हरि जी, मैं अपनी आंखों से देखा है तब बता रहा हूँ प्रमाण के साथ। नारायण साकार हरि जी और ये महिलाएं आगरा में, महिलाओं ने इतनी चंदाबाजी की है, चंदाबाजी की है, यहाँ क्यों आती हो? कौन बुलाता है? लूट लूट कर खुद खाया और अपने गुरुओं को करोड़ों करोड़ों रुपया दिया। किस देश में हम आयोजन दे सकते हैं? लुटेरों को नहीं दे सकते। सात संगत जी, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं, ये मजाक नहीं है, कह दिया। पापी हो तो पापी हो, महापापी हो, खेल शुरू हो गया। ये नारायण साकार हरि जी जो आपके सम्मुख विराजमान है, मैं एक एडवोकेट होने के नाते प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, सबूत के साथ कह रहा हूँ, ये नारायण साकार हरि जी ही संपूर्ण ब्रह्म है, परम सत्ता है, परम शक्तिमान है। सात संगत जी, मैंने ग्वालियर में 58 दिन इन नारायण साकार हरि जी के भिन्न भिन्न विराट रूपों के दर्शन किए हैं, ये पार ब्रह्म है। सात संगत जी, हमने नहीं देखा, अर्जुन का नाम आया था कि विराट रूप का दर्शन किया होगा, हमने नहीं जाना नहीं देखा, लेकिन मैं तो सामने डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि नारायण साकार हरि जी सामने विराजमान है। एक नहीं, मैंने असंख्य असंख्य विराट रूपों के दर्शन ग्वालियर में 58 दिन लगातार किए हैं। ये पार ब्रह्म है, परम सत्ता है, ब्रह्मांड के कुल मालिक है, हनुमान जी, दुर्गा जी, श्री कृष्ण, सबको, काली सबको मैंने नारायण साकार हरि जी के सीने में, इनके सीने में जाते हुए समाते हुए खुली आंखों से देखा है। ये केवल जो मैं सोचना महसूस किया है, आमने सामने खुली आंखों से 58 दिन लगातार मैंने नारायण साकार हरि जी के चतुर्भुज रूप का दर्शन, शंख गदा चक्र पदम विराट रूपों के दर्शन किए हैं। सात संग जी, एक चक्र छोड़ो, असंख्य असंख्य चक्र इन नारायण साकार हरि जी के उंगलियों पर चलते हुए, यही परम शक्तिमान है। इसलिए डंके की चोट पर कह रहा हूं कि इस समय पूरे ब्रह्मांड में नारायण साकार हरि की नारायण लीला खुल के चल रही है। सात संग जी, बचना है तो नारायण हरि जी का वचन मानो, वचन मान के चलो तो निश्चित। अगर आपने देखा ना होता, आप एडवोकेट हैं, कानून के विशेषज्ञ हैं, दुनिया के लोगों के चेहरे को देखकर ही आप पहचान लेते हैं कि ये स्त्री पुरुष किस दिशा में जा रहा है। आप पर किसी का दबाव तो नहीं है, आपको कोई खरीद भी नहीं सकता। जो आपने देखा है स्पष्ट कहो। ईमान से मैं बता रहा हूं कि मैंने ऐसे ऐसे रूपों को देखा है, इस शरीर में देखा है, ईमान के तहत। सात संगत जी, मैं सत सत आपके समक्ष बता रहा हूं,
मैंने ईमान के साथ बता रहा हूं आपको, मैंने सात संगत जी इन्हीं नारायण साकर हरि के शरीर में मैंने एक छोड़ो नारायण साकर हरि के दसों हाथों की उंगलियां, दसों पैरों की उंगलियों पर एक पदम छोड़ो, हर उंगली पर पदम के दर्शन किए खुली आंखों से, बीसों उंगलियों में पदम, सात संगत जी जो पदम मृग की आंख की तरह होता है सात संगत जी, और इतना ही नहीं मेरे नारायण साकर हरि जी के में सूरज चांद पूरा ब्रह्मांड तारे पूरे ब्रह्मांड के दर्शन मैंने नारायण साकर हरि जी के मुंह में खुली आंखों से किए सात संगत जी। नारायण इसे मुंह नहीं बोलते हैं, इससे मुख मंडल कह सकते हैं। जी जी प्रभु, साफ भाषा बोलो जी। नारायण साकर हरि जी के मुख मंडल में मेरे दर्शन किए सात संगत जी। नारायण साकर हरि जी के यहाँ माथे पर आभा मंडल पर मैंने चांद का दर्शन किया है सात संगत जी, जो पूनम का चांद होता है, पूर्णिमा का चांद और पूरा खुला हुआ चांद नारायण साकर हरि जी के आभा मंडल पर माथे पर पूरा चांद सात संगत जी, सूर्य का दर्शन पूरा आभा मंडल पर माथे पर सूर पूरा सात संगत जी मैंने दर्शन किया है नारायण साकर हरि जी के शरीर में। सात संगत जी नारायण साकर हरि जी का एक नहीं अनंत अनंत नारायण साकर हरि जी के शरीर के दर्शन किए अनंत अनंत जिनकी गिनती नहीं गिन सकते। नारायण साकर हरि जी की अनंत अनंत भुजाएं मेरे इसी शरीर में दर्शन किए सात संगत जी। नारायण साकर हरि जी के शरीर में सात संगत जी मैंने गुरु नानक देव का दर्शन किया है, मैंने गौतम बुद्ध का दर्शन किया है सात संगत जी, मैंने जामंत जी का दर्शन किया है। नारायण साकर हरि जी के सामने घुटना टेक करके हनुमान जी बैठे हुए सात संगत जी मैंने खुली आंखों से दर्शन किया है। नारायण साकर हरि जी के आभा मंडल पर माथे पर मेरे तीसरा नेत्र खुला हुआ स्पष्ट रूप से सात संगत जी दर्शन किया है, यही त्रिलोकी नाथ है, यही ब्रह्मांड के कुल मालिक है। नारायण साकर हरि जी का इतना लंबा शरीर, बहुत लंबे लंबे हाथ, पूरा शरीर आकाश की ओर जाता हुआ सात संगत जी, और इतना ही नहीं मैंने नारायण साकर हरि जी की वो निज चौकी, जिस चौकी पर नारायण साकर हरि जी वास्तव में चौकी कौन सी है उस चौकी का दर्शन किया है। नारायण साकर हरि जी कुर्सी से ऊपर उठ करके कम से कम 10 फुट ऊपर सात संगत जी प्रकाश पुंज की कुर्सी जिस पर नारायण साकर हरि जी विराजमान, जमीन से ऊपर सात संगत जी वो मैंने नारायण साकर हरि जी की परम प्रकाश की भूल रहे हो, पुंज नहीं संपूर्ण प्रकाश, संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण अग्नि, पुंज संपूर्ण को पुंज नहीं कह सकते सात संगत जी, वो संपूर्ण ऊर्जा की परम ऊर्जा की चौकी जिस पर नारायण साकर हरि जी विराजमान मैंने अपनी आंखों से देखा है सात संगत जी, इन्हीं नारायण साकर हरि जी का शरीर कारण क्या है, निराकार में साकार है और साकार में निराकार है, दो रही सेम है, इसलिए होश ना जाओ। भूत भतरिया पीपल वाली अंडंगा वाली घुस जाती है, निराकार घुस गया मुझ में, मैं विश्वमोनी हूं, मेरी पूजा करो, आदमी मार दिया कोई जिंदा करो, जिंदा कर लो, ऐसे से परपंच बनाते हैं, हर कोई हरि बन जाएगा, स्पष्ट कर दिया जीव माया बद्ध है, नारायण हरि परमात्मा मायाधीश है, रस तमसत रजोगुण तमोगुण सतोगुण इस त्रिगुणी माया से साकार हरि भक्त को बचा सकते हैं और ब्रह्मांड किसी के वश की बात नहीं है। सात संगत जी इतना ही नहीं मैंने नारायण साकर हरि जी को
तीन तीन कुर्सियों पर यही शरीर जो आपके सामने मंचासीन में बैठे हैं, यही शरीर तीनों कुर्सियों पर एक जैसा एक साथ में तीनों कुर्सियों पर बैठा हुआ यही शरीर और ब्रह्मवाणी देते हुए और एक ही ब्रह्मवाणी मुखमंडल से आ रही थी। मैंने दर्शन किया सत्संगत जी, अगले दिन मेरे पांच कुर्सियों पर इन्हीं नारायण साकार हरि जी का एक विराज स्वरूप सत्संगत जी पांचों कुर्सियों पर बैठा हुआ और ब्रह्मवाणी चलती हुई और एक ही ब्रह्मवाणी आती हुई सत्संगत जी मैंने दर्शन किया है। और इतना ही नहीं, इन नारायण साकार हरि जी की गर्दन गर्दन अलग हो गई, सात संग जी अलग, धर अलग, कुर्सी पर धर और गर्दन ऊपर आसमान में। सात संग जी इन नारायण साकार हरि जी की भुजा बाई भुजा अलग, दाई भुजा अलग शरीर से, पैर दोनों अलग, सात संग जी अलग अलग शरीर के अंग हर कुर्सी पर अलग अलग रखा हुआ सात संग जी मैंने दर्शन किया और हर अंग से परम प्रकाश फूट रहा था, कलरफुल परम प्रकाश जो संसारी नहीं था, अलौकिक अद्भुत परम प्रकाश परम सत्ता का सत्संग जी हर अंग से फूटता हुआ मैंने दर्शन किया। इन नारायण साकार हरि जी का शरीर सत्संग जी एक नहीं, यही शरीर मैंने देखा तीन तीन शरीर, हाथ अलग, हाथ का अलग स्वरूप, पैरों का अलग स्वरूप, तीन तीन सत्संग जी। एक दिन देखा कि नारायण साकार हरि जी का शरीर नाभि से, जिसे टूंडी बोलते हैं देहात में, नाभि नाभि से दो हिस्सों में शरीर अलग अलग सत्संग जी और ब्रह्मवाणी चल रही है और शरीर अलग अलग मैंने खुली आंखों से देखा सत्संग जी। एक दिन मैंने देखा कि नारायण साकार हरि जी का सुंदर स्वरूप एकदम यौवन अवस्था, नई नवेली अवस्था, एकदम सुंदर मासूम बहुत सुंदर मुकुट बंधा हुआ, मुरली बजाते हुए सास संगत जी पीतांबर गला हुआ, मैंने खुली आंखों से इन नारायण साकार हरि जी का दर्शन किया। सास संगत जी कहां किया? ग्वालियर प्रभास पर। तो साफ क्यों नहीं बताते? सास संगत जी 1 जनवरी 2022 से लेकर के नारायण साकार हरि जी की तन की मौजूदगी 27 फरवरी 2022 तक ग्वालियर में रही मौजूदगी। प्रवास पर 58 दिन नारायण साकार हरि जी की तन की मौजूदगी रही और मैंने 58 दिन लगातार एक नहीं अनित प्रतिदिन अलग अलग अलौकिक अलौकिक विराट रूपों के दर्शन किए। सत्संग जी जम जम के दर्शन किए हैं। इन्हीं नारायण साकार हरि जी का शरीर एक दिन निर्वस्त्र हो जाता है, शरीर पर कोई कपड़े नहीं है, बड़े बड़े नाखून, पूरे शरीर में बड़े बड़े बाल, सत्संग जी पूरा शरीर रीछ का जो जामंत का था पूरा शरीर इन्हीं नारायण साकार हरि जी के शरीर में मैंने जामन जी के दर्शन किए खुली आंखों से। सत्संग जी एक दिन भाव आया कि हे नारायण साकार हरि जी दर्शन रूप कैसा होता है, तो मैं देखता हूँ कि एक दिन नारायण साकार हरि जी का चेहरा बहुमंडल सिंह का हो जाता है, बड़े बड़े नाखून और सात संगत जी नरसिंह के रूप में इन नारायण साकार हरि जी का दर्शन खुली आंखों से ग्वालियर प्रभास पर किया। सात संगत जी इतने विराट रूपों के दर्शन सात संगत जी जम जम के किया, डंके की चोट पर कहता हूँ यही भूत वर्तमान तीनों कालों के ब्रह्मांड के कुल मालिक ये सामने बैठे हैं, ये ब्रह्मांड के महानायक बैठे हैं, ये परम सत्ता है, ये प्राणनाथ है, ये प्रियतम है, क्योंकि मैंने देख लिया है, दर्शन कर लिया है, इसलिए कि जंके की चोट पर कह रहा हूँ, कोई माने न माने, कोई जाने न जाने, मैंने देखा है, मैं स्वयं प्रमाण हूँ, स्वयं सबूत हूँ, स्वयं को जानकारी हो चुकी है, दुनिया माने न माने कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चीख चीख के कहूंगा, चिल्ला चिल्ला के कहूंगा, जगह जगह कहूंगा कि यही ब्रह्मांड के कुल मालिक है, यही ब्रह्मांड के रचनाकार है, जिन्हें आना चाहिए था, ये संपूर्ण सत्ता हमारे सामने बैठे हैं, ये हार मास के नहीं है। मैंने इन नारायण साकार हरि जी के नाभि से परम प्रकाश आकाश की ओर जाता हुआ देखा, खुद दर्शन किया।
इन्हीं नारायण साकार हरि जी के साथ संगत जी, एक शरीर तो छोड़ो, ये अनंत अनंत शरीर, अनंत अनंत आंखें, आप चश्मा लगाए देख रहे हो, आप सोच रहे होंगे कि नारायण साकार हरि जी चश्मा लगाए। साथ संगत जी, नारायण साकार ने देखा एक दूरभाष पर कि नारायण साकार हरि जी का चश्मा बहुत दूर और बहुत बड़ी बड़ी आंखें, बहुत विशाल आंखें, जिनसे परम प्रकाश फूट रहा है, कहीं चश्मा कहीं नेत्र नारायण साकार हरि जी के। तब समझ में आया, प्रभु ये चश्मा तो निमित्त केवल दिखाने के लिए है, हकीकत है कि आप पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम और आप यदि गर्दन घुमाए तो साथ संगत जी पीछे गर्दन नहीं घूम सकती, किसी कीमत पर पीछे नहीं देख सकते। लेकिन मैंने नारायण साकार हरि जी की चारों दिशाओं में घूमती हुई गर्दन बहुत तेज गति के साथ, बड़े बड़े नेत्र, घूमती हुई गर्दन को देखा, बहुत विशाल गर्दन, विशाल नेत्र, विशाल सर। साथ संगत जी खुली आंखों से मेरे नारायण साकार हरि जी के साथ संगत जी इंद्र धनुष जो आकाश में निकलता है प्रसाद के टाइम पर, मेरे नारायण साकार हरि जी के आभा मंडल पर, माथे पर पूरा इंद्र धनुष का दर्शन किया है। साथ संगत जी खुली आंखों से आमने सामने बैठ करके, साथ संगत जी ये नारायण साकार हरि जी पार ब्रह्म परमात्मा ये ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। साथ संगत जी कल ही दशा में मैंने प्रवास पर सत्य का साथ चल रहा था, जैसे ही नारायण साकार हरि जी अंदर से आते हैं कच्छ से प्रवास से, साथ संगत जी और मैंने देखा नारायण साकार हरि के जी के शरीर के चारों तरफ परम अग्नि की ज्वालाएं फूटती हुई जम जम के पूरे शरीर से बहुत तेज गति के साथ परम ज्वाला फूट रही थी। साथ संगत जी जब विराजमान हो गए कुर्सी पर, तो मैंने देखा नारायण साकार हरि जी के सर के पीछे चक्र बहुत तेज गति से घूमता हुआ। साथ संगत जी और कुछ देर बाद देखता हूँ कि नारायण साकार हरि जी का शरीर बहुत विशाल और चतुर्भुजी रूप, चार भुजाएं दिखाई दी। फिर देखता हूँ कि अनंत अनंत भुजाएं हो गई। साथ संगत जी यही ब्रह्मांड के कुल मालिक है, यही रचनाकार है। इन नारायण साकार हरि जी का वचन मानना है, दुनिया का नहीं मानना, दुनिया के चक्र में नहीं फंसना है हमें, हमें पार ब्रह्म का वचन मानना है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने दर्शन कर लिया है, मैंने जान लिया है, पहचान लिया है, वो परम परमात्मा है, ब्रह्मांड के कुल मालिक है। इसलिए संचालन करता होने के नाते जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है मेरा कि आपको सत्य सत्य जानकारी, सत्य सत्य ईमानदारी से आपके चरणों में रखना, जिससे आप ही भटकने से बच जाएं, भ्रमित होने से बच जाएं, और नारायण हरि का वचन मान के कर्म करें। साथ संगत जी, दुनिया क्या कर रही नहीं कर रही उसके चक्कर में मत पड़ना, खुद बचना है ऐसे लुटेरों से जिन्होंने सत्य के मार्ग पर धन लूटा, व्यापार किया, वैसे लुटेरों से बचे, इन्हें पास न फटकने दे, बिल्कुल भी ये तुम्हारे पास जाए और कहे नारायण साकार हरि जी का प्रवास बनेगा, इन्होंने टोली बना रखी है जगह जगह, जिलों में, प्रांतों में, क्षेत्रों में, वो महापुरुषों के बीच पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं पैसा दे दो प्रवास बनाएंगे, धक्का दे के भगा देना। क्यों कह रहा हूँ कि जो धर्म के नाम पर भाव फैलाएगा, आडंबर, पैसा इकट्ठा करेगा, बेईमानी करेगा, कानूनन भी अपराध है। साथ संगत जी, इसलिए कह रहा हूँ तुरंत भगा देना, धक्का दे के पास मत फटकने देना, पास मत बैठने देना, ये लुटेरे जब ही मानेंगे, क्योंकि सत्य के साथ में आकर के इतना लूटा है, व्यापार काटा बनाना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मांड के कुल मालिक है, इनसे बच के जावे कहाँ, इनने स्वयं जाल फेंक दिया और पकड़ लिया, दुनिया में कोई पकड़ नहीं सकता था महाराक्षस को, लेकिन नारायण साकार हरि जी ने दृष्टि घुमाते ही जाल में फंस गया, बच के कहाँ जाएगा। पर ऐसे लोग हैं वो बचेंगे नहीं, उनकी खैर नहीं है, ये सोच लो, क्योंकि ये ब्रह्मांड के कुल मालिक की नारायण लीला जम जम के चल रही है। इसलिए कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ, इसलिए ऐसे लोगों को पास मत आने दो जो सत्य का साथ ले जाते हैं और फिर जाके महापुरुषों को धन लूटते हैं, खुद जेब से खर्च नहीं करना चाहते, महापुरुषों से कमाएंगे, इकट्ठा करेंगे, कहीं दाल दे दो, चावल दे दो,
कंडा ही दे दो, लकड़ी ही दे दो, तेल दे दो, घी दे दो, नींबू दे जाओ, अदरक दे जाओ, इतना इतना तक ये गिर चुके हैं क्योंकि इन्हें धन दिखाई दे रहा है, आंखों से अंधे हो चुके हैं, ये राक्षस है, शैतान है, इनसे बचो, इन्हें पास मत आने दो, मत फटकने दो, वो सत्य का साथ का ऐसे समझते हैं जैसे लाइसेंस ले गए और उगाई शुरू कर देते हैं, 20 लाख कमा लिए, 30 लाख कमा लिए, 2-4 लाख खर्च किए और आपस में रख लिया, बंटवारा कर लिया, सब चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई बन गए, तू मेरी मत कहना, मैं तेरी नहीं कहूंगा, लेकिन ये नहीं जानते आप कि वो तो डूब ही रहा है, हम तुम्हें भी ले डूबेगा, ऐसे लोगों से बच जाओ, समय नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको बता रहा हूं, जिससे आपको जानकारी मिले, आप भी बचे और अन्य महापुरुषों को बचाएं, जानकारी पहुंचाएं, जिससे लोग ठगने से बचे, बेईमानों को चक्र से बचे, तो नारायण हरि का वचन मान के अपना जीवन सफल बनाए, मानव जीवन धन्य बनाए। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, ये पार ब्रह्म परमात्मा है, ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, इनकी आयु का इनकी कोई आयु नहीं है, जब जब जरूरत होती है तब परम सत्ता चुनन दीदा पसंदा घट में, जो घट सामने है आपके, जो बैठे हैं मंचासीन है, उस परम सत्ता का घट है, जिस घट में परम सत्ता विराजमान है, यही ब्रह्मांड के कुल मालिक है सा संग जी, इसलिए आपको बचाने के लिए आप जिससे आप बच जाए और भी महापुरुष बचे भटकने से, तो सा संग जी इसलिए आपको बताया, जो वर्दी है सेवादार भाई बहनों की, चाहे वो जल सेवा सुरक्षा सेवा की वर्दी, टेंडर लॉकेट होल्डिंग बैनर निमंत्रण पत्र सेवा कार्ड, ये सभी निमंत्रण पत्र सेवा कार्ड सभी सामग्री कम रेट पर गुजरात के मिल से कम बिल्कुल कोई रेट बिल्कुल कम से कम बढ़िया से बढ़िया टॉप कपड़ा फर्स्ट क्लास की स्टेशनरी और फर्स्ट क्लास का कपड़ा एक नंबर का कम से कम रेट पर इसलिए व्यवस्था की गई कराई गई कि जिससे आप महापुरुष लुटने से बचे। तो जो दौसा के लेखपाल जी है श्री हर्षवर्धन पटवारी साहब लेखपाल साहब निवासी गोवर्धन वाटका दौसा शहर दौसा जिला दौसा राजस्थान इन्होंने व्यवस्था की है, ये सेवा इनके पास है, जिसको भी वर्दी चाहिए चाहे वो लेडी जेंट्स या जो सत्य का साथ का आयोजन कराने वाले महापुरुष है आगामी, उन्हें होल्डिंग बैनर निमंत्रण पत्र सेवा कार्ड जो भी सामग्री चाहिए लोकेट पेंडल और दौसा के श्री हर्षवर्धन लेखपाल साहब उनसे प्राप्त होगी रियायत बिल्कुल कम से कम रेटों पर, जिससे आप महापुरुष ठगने से बचेंगे लुटने से बचेंगे। तो इसलिए आप जिनको भी आवश्यकता पड़े आप लेखपाल साहब से संपर्क करें दौसा, वहीं से सारी सामग्री आपके भी महापुरुषों को मिलेगी उचित न्यायपूर्ण तरीके से आप सभी को। तो आप सभी देवी महापुरुष सूचित हो इस बात से और अन्य जो और भी जानकारी अन्य महापुरुषों तक पहुंचाए, एक चैन सिस्टम बनाते हुए जो मैंने जानकारी आपके समक्ष रखी वे संपूर्ण जानकारी आप अन्य देवी महापुरुषों तक भी पहुंचाए, अन्य महापुरुषों तक जानकारी दे, जिससे अन्य महापुरुष ठगने से बचे बेईमानों के कुचक्र से बचे, ये आपका भी जिम्मेदारी बनती है दायित्व बनता है। ये सत्य का साथ नारायण हरि का वचन यदि चाहिए तो केवल आप माने न माने, मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं मुझे तो नारायण साकार हरि जी का वचन मान के कर्म करना है, दुनिया कुछ भी कहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमें आपको डंके की चोट पर नारायण साकार हरि जी का वचन मान के कर्म करना है, वचन मान के चलना है, लुटेरों को बहिष्कृत ये जवाब सतर्क हो जाएंगे सावधान हो जाएंगे। स्मरण रहे दुनिया में इस जगत में जो सज्जन पुरुषों सतित वाली स्त्रियों संत महापुरुषों
के साथ अगर दुर्व्यवहार करता है तो घबराना नहीं चाहिए। जो दुर्व्यवहार करता है उसके अच्छे दिनों का समापन हो चुका है, अब उसके बुरे दिन आने वाले। जब तुम्हें छेड़ेंगे तभी तो तुम कहोगे कि नेता तो ऐसा हो वैसा हो। जब बीमारी लगती है जब ही डॉक्टर यार आता है आपके सम्मुख मिस्टर चंद्रशेखर प्रताप सिंह एडवोकेट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ब्रांच ग्वालियर में ये वकालत करते हैं। समझो यहां किसी को तनख्वाह तो दी नहीं जाती, कोई और प्रलोभन नहीं दिया जाता। दोनों ही एडवोकेट ये सुप्रीम कोर्ट में अपना तेल समय निकालकर वकालत से छुट्टी लेकर सत्य के साथ में पहुंचे हैं। अगर ये संस्कारित आत्मा न होते इस रूप में निकलकर यहां तक पहुंचना संभव नहीं था। आप लोग जहां भी रहते हैं प्रवास करते हैं जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हैं मजदूरी करते हैं अतीत से वर्तमान वर्तमान से भविष्य संस्कार है तब आना हुआ है। संस्कार न होता तो श्रीमान जी नारायण हरि परमात्मा के दरबार में आना संभव नहीं था। वकील साहब ने आपके बचाव के लिए राक्षसी प्रवृत्ति दैत्य प्रवृत्ति के स्त्री पुरुषों से बचाने के लिए जो उद्घोष किया है, जो अपनी आंतरिक तपस्या से कर्म से इन्होंने जो पाया उसी आंतरिक तपस्या त्याग के द्वारा आपके बचाव के लिए इन्होंने उद्घोष किया है और इनका कोई स्वार्थ नहीं है। सदमार्ग पर चल पड़ोगे तो प्रणाम सामने होगा, कुमार्ग पर चलोगे तो प्रणाम सामने होगा। पिताजी के पिताजी मेरे बेटे मेरी बेटियां मेरे भाई मेरी बहने मेरी पति मेरा पति मेरे लड़की दामाद मेरे बहन बहनोई मेरा फार्म हाउस मेरा मील मेरे कारखाने चिल्ला चिल्ला के मर के चले गए एक कतरा भी साथ नहीं देंगे। पिताजी भी आपके ही चिल्ला चिल्ला के मर के चले गए एक कतरा भी साथ नहीं ले गए और जो रह गए हैं वो भी चिल्लाते रहे मरना उनको भी है लेकिन ध्यान रखे कर्म ने अवतारों को भी नहीं छोड़ा है। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। जब आप नारायण हरि परमात्मा के इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं सत्य के साथ में पहुंचे हैं धूप की परवाह नहीं है ताप की परवाह नहीं है कितना गरीब का त्याग तपस्या हो रहा है इसको भी तो समझो। जब पहुंचे हैं ये भी चिंतन मंथन करो
कि हमने क्या पाया क्या खोया, और आपको ये भी जानकारी दे देना चाहते हैं यहाँ भाषण देने की जरूरत नहीं है, स्पीच देने की जरूरत नहीं है, प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ खेल पूरा खेल प्रश्न का है, आस्था है, श्रद्धा है नारायण हरि परमात्मा में, तो दर्शन से ही सब कुछ होने लगता है, वाणी का भी लाभ मिलने लगता है। और दर्शन दर्शन जब चल पड़ेंगे तो वचन ही वरदान बन जाएगा, और वरदान भक्त के लिए बनता है, शैतान के लिए नहीं बनता। नारायण सरकार की संपूर्ण महंगी सदा सदा के लिए जय जयकार। मिस्टर ठाकुर एपी सिंह एडवोकेट खड़े हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ और शेष है कहना चाहे तो कह सकते हैं। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जैसा कि प्यारे दुलारी साध संगत जी आपने भी सारी जानकारी को सुना, और ये वास्तव में आंखों देखी वाली बात है। तोड़ाओ वकील साहब, आपको स्पष्ट कहना चाहिए कि भैंस खड़ा नहीं होना चाहिए, स्पष्ट बताना चाहिए कि हमारे सहयोगी हमारे अनुज मिस्टर चंद्रशेखर प्रताप सिंह जो ग्वालियर हाई कोर्ट की ब्रांच में वकालत करते हैं, उन्होंने खंड खंड करके सब बता दिया। इस तरीके से बताओ तो बेहतर होगा। भाई साध संगत जी, जिस तरह से हमारे छोटे भाई चंद्रशेखर प्रताप सिंह जो कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बेंच में एडवोकेट हैं और बहुत समय से संचालन के कार्य में संलग्न हैं, और आपने सुना और देखा, और क्यों, जिम्मेदारी तो हर महापुरुष की है, अपनी अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभाते। श्री चंद्रशेखर प्रताप सिंह एडवोकेट ये राष्ट्रीय संचालन करता है, इनकी जिम्मेदारी तो और बहुत बढ़ जाती है। हमें नहीं करना है, कोई कदम उठाना है इनको ही उठाना है, इनके माध्यम से होना है, और खेल हमारे द्वारा ही होगा। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जिस तरह से सत्य के मार्ग पर सत्य के साथियों की, सत्य के अनुरागियों की धन की उगाही और लूट और धन बटोरने की प्रक्रिया के बारे में आपने देखा, वर्गवाद भी है, और वर्गवाद के आधार पर यह सब किया गया। और वास्तव में देखिए आप, जहां एक तरफ बड़े बड़े अस्पतालों से जो बीमारियां सही नहीं हो पाती, जो लाइलाज बीमारियां हैं, जहां डॉक्टर बड़े बड़े अस्पतालों के सब कुछ पैसा लेने के बाद भी हाथ खड़े कर देते हैं, उन मरीजों की बीमारियां सिर्फ और सिर्फ नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी के श्रवण से दूर हो जाती हैं। और जब उनकी उल्टी गिनती शुरू होती है, जब उनके